ठंडी छांव सेवा समिति की ओर से सोमवार को जरूरतमंद परिवारों की दो बेटियों की शादी में सहयोग स्वरूप जरूरत का सामान भेंट किया गया। एनजीओ ठंडी छांव सेवा समिति की ओर से सोमवार को जरूरतमंद परिवारों की दो बेटियों की शादी में सहयोग स्वरूप जरूरत का सामान भेंट किया गया। कार्यक्रम का आयोजन हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन स्थित एनजीओ ठंडी छांव सेवा समिति के चाइल्ड हेल्प डेस्क कार्यालय में हुआ। इस मौके पर अतिथियों ने यह सामान दोनों बेटियों के परिजनों को सौंपा। अतिथियों ने समिति की ओर से सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए इसे अन्यों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य बताया। इस मौके पर पदाधिकारियों ने बताया कि एनजीओ ठंडी छांव सेवा समिति की ओर से विगत करीब 15 सालों से सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में सहयोग किया जा रहा है। जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था करना, समय समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई पार्लर, हाथों से निर्मित होने वाली वस्तुओं का प्रशिक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण, ग्लोबिंग वार्मिंग की समस्या को बढ़ने से रोकने के लिए पौधारोपण करने व आमजन को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करने सहित कई कार्य किए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में मिलने वाले गुमशुदा बच्चों एवं महिलाओं की देखभाल की जा रही है। इसके लिए बकायदा गत दिनों हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर चाइल्ड हेल्प डेस्क केयर के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। आज ठंडी छाव ऑफिस के अंदर गरीब कन्याओं को विवाह संबंधित कुछ आइटम भेंट की गई। उसमें दो बच्चे हमारे पास पहुंचे, उनको हमारे स्टेशन सुपरिटेंडेंट सभी अन्य टीम ने मिलकर के उनमें सहयोग स्वरूप सहायता के लिए ये प्रदान की गई। समय समय पर ऐसे गरीब परिवार जो भी यहाँ हमें नाम लिखा के चले जाते हैं, हम उनकी तहकीकात करते हैं वास्तविक में गरीब हैं या नहीं है। जो गरीब तबके के हैं उनको बराबर सहयोग मिलता रहेगा। ठंडी छाँव चाइल्ड हेल्प डेस्क के तत्वावधान में एक गरीब कन्याओं के शादी ब्याह के लिए संस्था की तरफ से कुछ गिफ्ट आइटम शादी के सहयोग के लिए अच्छा। दिया गया और पिछले कुछ दस पहले भी यह कार्यक्रम किया जा चुका है। आगे भी ऐसा जो भी होगा जिसके भी जो सहयोग हो सकेगा संस्था की तरफ से हम सब की सहयोग से किया जाएगा।